ये वाली गाइस इसका पोटा जो है ना बंद है, ठीक है। इसको अब आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये इतना बड़ा पोटा इसका सूजा हुआ है। मेरे इसका पोटा जो है ना जाम हुआ हुआ है, मतलब इससे कल भी इसका पोटा बंद था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर लूँ। किसी आपकी मुर्गियाँ भी अगर इस तरह होती हैं तो आपने क्या करना है। सलाम वालेकुम, वेलकम टू मी अनदर वन लोक। तो क्या हाल है गाइस, उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो यार जो हमारी एक मुर्गी है ना वो बीमार है, उसका पोटा बंद है, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट मुर्गी को ठीक करते हैं, जिसका पोटा बंद हो या बीमार हो। आज भी जो मौसम जो है ना चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी आ रही है गर्मियाँ, इसमें काफ़ी लोगों की मुर्गियाँ जो है ना बीमार हो जाती हैं, पोटा बंद हो जाता है, उनको मसले हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये उनके साथ ट्रीटमेंट करने लगे हैं, ठीक है। इसलिए काफ़ी ठंडी किस्म की हवा चल रही है, तो करते हैं आपको भी दिखाते हैं क्या होता है। तो लास्ट तक मेरी वीडियो देखना, ठीक है। उसका पोटा बंद है, उसको दवाई शवाई देते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चले अंदर चलते हैं। फिलहाल मैंने ऊपर से मुर्गियाँ सारी अंदर ले लिया था, कल के ब्लॉग में आपको पता होगा, ठीक है। तो ये अंदर है सारी, ठीक है, ठीक है। तो ये मुर्गियाँ यहाँ पे अंदर है सारी, चूजे शूजे सब को अंदर है, इनको डाइट वाइट डाली हुई है। तो ये जो मुर्गी है ना, ये वाली गाइस इसका पोटा जो है ना बंद है, ठीक है। इसको अब इसका पोटा ये सूजा और अच्छा भी करा, ठीक है। तो ये काफ़ी बीमार है, मुझे डर है मर ना जाए, तो इससे पहले इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट करते हैं और आपको भी दायरा आ गई है जिसका पोटा बंद है, ठीक है। है मतलब ठीक है, घूम रही फिर रही सब कुछ ठीक है, बस ये खा रही कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका पोटा जो है ना जाम हुआ हुआ है, मतलब इसने कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा खा ली है ना, एकदम जो आप डाइट डालते हैं ना अपनी मुर्गियों को, एकदम ज़्यादा सी डाइट डालते हैं, फिर वो तेज़ी से जब खाती है ना तो इनके पोटे में ना गट्ठी हो जाती है एकदम, या फंगस वाली होगी कोई इस तरह की ना, तो फिर वो ना जम जाती है इनके पोटे में जाके। अभी इसका पोटा आपको दिखाओ तो ये देखें, ये इतना बड़ा पोटा इसका सूजा हुआ है। मैंने इसको कोई डाइट नहीं डाली, ठीक है। तो मैंने रात से इसको बंद किया, तो इसे खाली ये बिठे किए, चार पांच बिठे किए, ठीक है। इसका पोटा बंद है, तो आपको दिखाते हैं क्या सिस्टम है, क्या करना है, ठीक है। तो खा पी रही भी कुछ नहीं है, ठीक है। दो दिन से, कल भी इसका पोटा बंद था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर लूँ। किसी आपकी मुर्गियाँ भी अगर इस तरह होती हैं तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो इसको इन मुर्गियों से लैदा करते हैं इधर ही, मतलब इनको मैंने लैदा बंद किया हुआ है, क्योंकि उनके साथ मैं बंद नहीं करता, क्योंकि मैं ले आया हूँ दवाई, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी डालनी चाहिए जिस मुर्गी का पोटा बंद हो, जिस तरह इसका बंद है। आप देखें किस तरह खड़ी हो गई है, और इनको देखें माशाल्लाह मस्त है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, तो ये जो है ना, ये है टमाटर के बीज। टमाटर आपको पता ही होगा क्या, टमाटर तो आप सबको पता होगा क्या चीज़ है, ठीक है। ये है टमाटर के बीज, ठीक है। ये सारे, ये देखिए, टमाटर नहीं होता, टमाटर को अंदर से खोल के ना उसके बीज निकालें, ठीक है। तो ये टमाटर के बीज है, ये इस मुर्गी को खिलाते हैं। और ये है सेब का सिरका, ठीक है। ये है सेब का सिरका, ये आपको पता ही होगा। और ये टैलोफेरोसिन है, ठीक है। ये भी मुर्गियों की दवाई है, ठीक है। ये आप तोतों वाली मुर्गियों वाली चकानों से मिल जाती है, ठीक है। ये भी पानी में मिक्स करके डालते हैं, आपको दिखाता हूँ भी किस तरह डालते हैं, ठीक है। पहले ये यार पीछे जो है ना चूज़ों ने शोर मचाया हुआ, आपको भी आवाज़ नहीं आ रही होगी, पहले इनका काम कर लेते हैं, ठीक है। इनको प्यास लगी हुई है, तो मैं पानी है जो ले आया हूँ, ये गर्म पानी है, तो इस बर्तन में इनको गर्म पानी डालते हैं। पहले चूज़ों को भी ना टैलोफेरोसिन है ना, ये सब मुर्गियों को डाल दो ना, नुकसान भी होता है फ़ायदा है इससे, भाई ये नुकसान नहीं करता, ठीक है। ये आपको डाल के दिखाता हूँ किस कारण लिया, ठीक है, गर्म पानी में, ठीक है। जितना गर्म पानी होगा उतना फ़ायदा देगा, ठीक है। जितना मर्ज़ी डालो, कोई इसे मतलब नुकसान वाली बात ही नहीं है। ये अपने सारी में मुर्गियों को, चूजों को, सबको मैं दूंगा, ठीक है, इन सबको दूंगा। इससे जो खांसी ज़ुकाम बुखार जो भी हो ना, शुरू शुरू में हो, वो सब ख़त्म हो जाता है और होता नहीं है, ठीक है। ज़ुकाम हो जाए, बुखार हो, जो मुर्गी सुस्त हो, जो भी मसला हो ना, ये दो ना टैलोफेरोसिन, ठीक है। तो इससे मुर्गी बिल्कुल मस्त हो जाती है। तो यह डाल के आपको दिखाते हैं, ये होता है कड़वा, तो वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है गाइस। ये पानी आ गया, अब इस पानी को ना डालते हैं इसमें, कटोरी में डालते हैं, और ये जाके अपने चूज़ों को पिलाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने है, ये देखें, ये पानी है, अभी चलते हैं चूज़ों को पिलाते हैं, ठीक है। ये हमारे छोटे वाले चूज़े तकरीबन महीने के हो गए हैं, ठीक है। अब इनको पिला के आपको दिखाते हैं, माशाल्लाह देखें कितने मस्त हैं, ये इनको पिलाते हैं, ठीक है। तो इनको मैं खोल, इनको मैंने पानी डाला है, देखिए गाइस पी रहे हैं, ठीक है। पानी आपके सामने है,
तो ये जितना मर्ज़ी डालें इससे कोई नुकसान नहीं होता, खाली बस जो एक महीने के चूज़े होंगे उनको डालना, इससे छोटे वाले चूज़ों को नहीं डालना, ठीक है, नुकसान दे भी सकता है। वैसे एक महीने से जो हो जाए ना उन चूज़ों को डालें, मुर्गी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, फ़ायदेमंद होता है। कोई ज़ुकाम होगा, कोई बीमारी इनमें होगी ना चूज़ों में, वो सब ख़त्म हो जाएगी इससे, ठीक है। ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ जब से मैंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, ठीक है। चलो 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 यार, इनको डाल दिया, अब इनको बंद कर देते हैं, ये तो इन्होंने बंद डालना है, ठीक है, ये अंदर कर दिए, ठीक है, ये भी पी रही है, तो वही वाला पानी है जो मैंने डालो दवाई वाला पानी था, ठीक है, मैंने सबको डाला है, इनको भी डाल दिया, अभी इनको भी डाल दिया, ये भी पी लेंगे, अब इन बड़ी वालों की वारी है, ठीक है, इनको भी डाल देते हैं, ठीक है, ये प्यास से ये गया, ठीक है, ये लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखिए गाइस बाहर ही रखा है, ये अंदर रखा तो इन्होंने ग्रा देना है, ठीक है। अगर जो अभी मुर्गी नहीं पीती तो उसको ज़बरदस्ती भी आप एक चुटकी भी डाल सकते हैं और पानी भी दे सकते हैं, ठीक है, पानी में भी, ये देखिए गाइस अब ये दे दिए मुर्गे को भी, मुर्गा खुद जाके पी लेगा, ठीक है, मुर्गे ने अंदर करनी है चूँ यहाँ से, पी ले, ये देखें गाइस आपके सामने पी लिया, ठीक है। अब इस मुर्गी की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, यार पानी भी ठंडा हो रहा है, कोई कटोरी नहीं है, पहले ना इसको टमाटर दे लेते हैं, ये जो है ना ये दे लेते हैं, ठीक है, ये ज़बरदस्ती देने पड़ेंगे क्योंकि ये मुर्गी कुछ भी नहीं खा रही, सफाई पानी पी रही है, कुछ भी और नहीं खा रही पी रही, तो इसको ये ज़बरदस्ती देने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको दे कर दिखाता हूँ उस मुर्गी को, चलिए ये टमाटर के बीच है, आपके घर जो टमाटर हो उसके बीच निकाल लें, ठीक है, तो बीच निकाल के उसको छोटा छोटा करके, ठीक है, ध्यान रखना छिलका नहीं होना चाहिए टमाटर का, ठीक है, नहीं तो इसका पोटा आगे काम नहीं कर रहा तो छिलका चला जाएगा तो और काम नहीं होगा, ये बीज खाने को जल्दी हजम कर देंगे इसके, तो आप इसको ज़बरदस्ती देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अकेला बंदा हूँ, कैमरा किस तरह पकड़ूँ, ठीक है, मैं इसको देखकर आपको दिखाता हूँ, इसको मैंने पकड़ लिया इस तरह, आपने इसको रखना है दो टांगों के दरमियान में, ठीक है यार, इसके मैं कुछ काम करता हूँ, ठीक है, ये है सिरिंज, सिरिंज आपको पता ही होगा, ठीक है, इसके अंदर टमाटर के बीज सारे डालता हूँ और ट्रैक्ट इसके मुंह में डालता हूँ, ठीक है, मैं आप डाल के दिखाता हूँ यार, ये देखें गाइस मैंने इसको खिलाया, ठीक है, तो मैंने इसको पकड़ के ना ज़बरदस्ती, तो मैंने चम्मच से इसके मुंह में डाले हैं, ठीक है, क्योंकि खुद नहीं खा रही थी, तो आपने इसी तरह इसको बीज खिलाने हैं, देखें मैं काफ़ी ज़्यादा खिला चुका हूँ, ठीक है, तो अब ये इसके मुँह में चले गए हैं, ठीक है, तो अभी पता नहीं किधर जा रही है, इसको अंदर बंद कर देते हैं, ये असर दिखाएँगे, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, ठीक है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो इसको काफ़ी फ़र्क पड़ा है कल से भी, ठीक है, कल परसों से बंद है, रात को मैंने इसको डाले थे तो अभी देखिए इसने काफ़ी खाना हजम किया, ये मीठे किए हैं आपके सामने, अभी ये मैंने डाला है, देखिए तीन चार घंटे बाद मैं आऊँगा तो काफ़ी ये मतलब हजम कर चुकी होगी, काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बचा ये भी खिला देता हूँ, तो अगर इससे भी नहीं होता ना फिर आखिरी आलम भी है, ये है सेब का सिरका, ठीक है, ये एक लीटर पानी के अंदर ना आपने एक ढक्कन डालना है, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं देना, ये काफ़ी सख्त होता है, इससे आपकी मुर्गी एक्सपायर भी हो सकती है, मुर्गी मुर्गा जो भी है, ठीक है, ये सेब का सिरका है, ठीक है, ये ले लेना है आपने और एक लीटर पानी में ना बोतल में एक ढक्कन सिरका डाल के तो आपने हिला के इसको पिला देना है मुर्गी जो भी आपके जिसका पोटा बंद है, ये हाल है आखिरी, ये भी ना हुआ तो फिर इसके बाद आखिरी हाल है कि या कि फिर आपकी मुर्गी के पोटे में फंसा हुआ है कोई छिलका या कोई रबड़ या कोई ऐसी प्लास्टिक फंसी हुई है जिसकी वजह से इसके खाना नाली से आगे नहीं जा रहा, ठीक है, वो हजम नहीं कर रही, फिर इसका भी कुछ नहीं हुआ तो फिर इसका आखिरी हाल है, इसका होगा ऑपरेशन, आपकी मुर्गी ने कोई प्लास्टिक खा लिया हुआ कुछ खा लिया हुआ ना उसकी नाली में फंस गया, खाना हजम नहीं हो रहा, आप जो कुछ दे लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जब तक उसका प्रेशर नहीं होगा या एक और ट्रीटमेंट है वो नहीं होगी, इसके मुंह में मतलब पाइप डाल के सारा पोटे से गंद नहीं बाहर निकाला जाएगा, तब तक वो मुर्गी आपकी ठीक नहीं होगी, ठीक है, ये प्रोसेस है तो मैंने आपके सामने कर दी है, ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है, तीनों आपको बता दिए, ये है सबसे पहले ये डालें, इससे भी अगर ना हो तो फिर आपके बाद आ जाती है टमाटर के बीज आ जाते हैं, ये डालें, ये भी अगर ना हो इससे भी कुछ ना हो फिर सिरका आ जाता है, ठीक है, फिर सिरका डालें सेब का, ये भी ना हो तो फिर आखिरी हाल इसका, ये जबा करके खा लें, नहीं तो आपको बहुत अच्छी मुर्गी है कोई अजीज़ है आपकी महंगी है तो फिर उसका ऑपरेशन होगा, ठीक है, इसका पोटा काटा जाएगा उसमें से सारा गंद निकाला जाएगा, वो भी एक प्रोसेस, ठीक है, उस पर भी अगर वीडियो बनानी हुई क्योंकि ये आप ठीक है क्योंकि इसको मैंने अभी टमाटर के बीज खिलाए हैं क्योंकि इसे आप हजम करना शुरू कर दिया आपके सामने अभी ठेका रही है, ठीक है,
तो आपने यहाँ पे अपनी सारी मुर्गियों को, चूज़ों को पानी वो आपको दे दिया, ठीक है। पानी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। वोला टैलोफेरासिन मैंने दे दिया। अब ये पानी थोड़ा सा जो है ना इसको भी मैं दूँगा, ठीक है, क्योंकि जो टमाटर इससे खाया ना इसका पोटा सख्त हुआ हुआ है, इस पानी की वजह से ये पोटा इसका नरम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पानी भी इसको देना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं ना इसके अंदर सिरका भी मिला देता हूँ, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा सिरका, ठीक है। ये लिया मैंने बिल्कुल थोड़ा सा, ये आपके सामने है, ये इतना सा पानी है, ठीक है। ये गया बस, ठीक है। ज़्यादा सिरका नहीं देना, ये काफ़ी सख्त होता है, ये इंसानों के लिए होता है, वो तो जानवर है, ठीक है। तो आप इसको यूँ मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स करके आप किसी प्याली में डाल के ना इसको मैं डाल के आपको दिखा, ये आगे जी कटोरी, थोड़ा सा ये डाल लेते हैं यार, और ये नुकसान देह नहीं होता, ठीक है। ये आप जितना मर्ज़ी डालें, एक लीटर पानी में आप ये, नहीं तो आप पानी में नहीं डाल सकते, तो फिर ज़्यादा मुर्गी की तबीयत ख़राब है, तो एक चुटकी उसके मुँह में डाल दें पाउडर की, ठीक है। ये गया पानी, ठीक है। अब ये आपको डाल दिया, अल्लाह शफा। चलो आ जाओ, पानी ये शौक से पी रही है, बाकी कुछ भी नहीं है, खा रही कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली पानी पी रही है। ये आपके सामने है, ठीक है। सेब के सिरके की इतनी गंदी बू है ना, ठीक है, अभी तक मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है, इतनी बू आ रही है, और जायका भी काफ़ी गंदा होता है उसका। देखिए आप मुँह छान रही है, क्योंकि इसे पीने नहीं हो रहा। अगर ना पिए तो फिर आप इसको ज़बरदस्ती पिला सकते हैं, ठीक है। ये सिरिंज में पानी भर के तो उसके मुंह में डाल दे, जितना पानी पिएगी उतना इसके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। वो भी गर्म पानी देना है, फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसका पोटा फिर ना जो पानी जाएगा ना वो चलने शुरू होगा, क्योंकि सख्त हुआ ना तो फिर वो जाम हो जाता है, पानी जाएगा तो फिर चलने शुरू हो जाएगा। इसको मैं ज़बरदस्ती पिलाता हूँ, तो ठीक है यार, आज की वीडियो यही पे एंड करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपके सामने, ये डाल दें आपके पोटा, इंशाल्लाह खुल जाएगा मुर्गी का, ना खुले तो फिर आखिरी हल वही है जो मैंने आपको बताया, ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है, ये बीमारी के इलाज से, क्योंकि अब जो मौसम चेंज हो रहा है ना, काफ़ी लोगों की मुर्गियाँ बीमार हो रही हैं, ज़ाया हो रही हैं, ठीक है। तो गर्म पानी दें इनको, ठंडा पानी नहीं देना, ठीक है। वो आप पी रही है थोड़ा थोड़ा करके, इसको ज़बरदस्ती पिलाना पड़ेगा। मेरे से इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय।